अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना, आप लोग ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी हुई तो ये सारी वीडियोस भी आप लोग मेरी चैनल की देखें ताकि आप लोगों को इससे भी मज़ीद फ़ायदा होता रहे, ठीक है। ये इन स्ट्रीम से रिलेटेड है, इन स्ट्रीम से ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी कि इसमें आपको जो है ना कैसा पेज आपके पास होना चाहिए, इसके फॉलोअर कैसे कंप्लीट करें। इसके बाद ये जो मेरी वीडियो है ये वॉच टाइम के ऊपर थी कि आप लोग वॉच टाइम कैसे पूरा करें। ये जो मेरी थर्ड वीडियो थी ये थी कि आप लोग कैसे पाकिस्तान में बैठ के जो है ना पेज मोनेटाइज कर सकते हैं, बैंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो मेरी थी जो है ये नोट वीपीएन के ऊपर थी, ठीक है। मोबाइल में कैसे आप यूज़ करें, ये वीडियो मेरी थी। पीसी से आप वीपीएन कैसे यूज़ करें, इट्स मीन के पाकिस्तान में बैठ के आप लोग पेज कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है रील्स बोनस पे, ठीक है, कि रील्स बोनस से आप लोग कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे इसको मोनेटाइज कर सकते हो और कैसे उस पर काम करके ईजिली आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, रील्स बोनस प्रोग्राम हमने ये हेडिंग दे दी है, ठीक है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रील्स बोनस प्रोग्राम है, ठीक है, कि रील्स बोनस पेज को कैसे मोनेटाइज करते हैं। अच्छा जी, जो इसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है, अब क्राइटेरिया इसका देख लें। सबसे पहले आपको 30 डे ओल्ड पेज चाहिए होता है, कोई भी आपके पास पेज हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, वट एवर जो भी हो, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को एटलीस्ट कम से कम 5 वीडियोज़ चाहिए होती हैं उस पेज के ऊपर। ज़्यादा जितनी मर्ज़ी डालें इशू नहीं है, लेकिन कम से कम 5 वीडियोस होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप इस क्राइटेरिया के मुताबिक एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, पेज को मोनेटाइज करने के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग जो है ना अपनी पाकिस्तानी आईडी के ऊपर भी सारी चीज़ें कम्प्लीट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप यूएसए आईडी में ही सारा ये काम करें, ठीक है। तो पहले आप लोग पाकिस्तानी आईडी के अंदर एक पेज रखें, उसमें आप रील्स डालें, 5 रील्स कम से कम हों, 1 लाख व्यूज़ हों, तो उसके बाद आप लोग जो है ना इस पेज को आप शिफ्ट कर सकते हैं यूएसए आईडी में, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया चेक होता है वो पाकिस्तानी आईडी पे नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग फिर यूएसए आईडी में ये क्राइटेरिया चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये चीज़ पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है। जब ये चीज़ें आपकी तीनों पूरी हो जाएँ तो आप लोग पाकिस्तानी आईडी को रिमूव कर दें और यूएसए आईडी पे उस पेज को एडमिन कर दें। अभी हम चलते हैं अपने यूएसए आईडी पे। अच्छा, ये हमारी यूएसए की आईडी ओपन है और ये आप लोग देख सकते हैं वीपीएन भी ऑन है यूनाइटेड स्टेट की। तो आप लोगों ने भी ऐसी एक वीपीएन ले लेनी है, पेड वीपीएन यूज़ करें, नॉट वीपीएन में यूज़ कर रहा हूँ। हालाँकि लोग कहते हैं कि इसमें ना काफ़ी इश्यूज़ हैं, मतलब मसला कर रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास चल रही है और मैं काफ़ी टाइम से इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मसला उनके साथ करती है जो फ्री में ले लेते हैं या किसी से पकड़ लेते हैं या उनको यूज़ करना नहीं आती। तो आप लोग मेरी चैनल की वीडियोस देखें नोट वीपीएन से रिलेटेड, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो नोट वीपीएन ऑन करके ये यूएसए की आईडी आप अपनी कोई भी लॉगिन कर लें, जैसे कि ये मेरे पास यूएसए की आईडी ओपन है। तो जब आपका क्राइटेरिया कम्प्लीट हो तो आप इस यूएसए वाली आईडी को उस पेज में एडमिन करें, यहाँ से एक्सेप्ट करके तो पाकिस्तानी आईडी से आप लोग उस पेज को रिमूव कर दें, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि क्राइटेरिया कैसे चेक कर दें। अच्छा जी, ये न्यू टैब में हम आ गए हैं, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है इन स्ट्रीम, लिख लें। इन स्ट्रीम एड्स लिख लें, एड्स ब्रेक लिख लें, जिस तरह के मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इन स्ट्रीम का क्राइटेरिया चेक करने के लिए जो है ना आप लोग कैसे चेक करते हैं, सेम वही है ये साइट, ठीक है। बस इसमें यह है कि यहाँ पे हम उसमें टूल्स में आके मोनेटाइजेशन टूल्स में क्लिक करते थे और इसमें हम यहाँ पे ये रील्स दिखा रहे हैं, रील्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इन स्ट्रीम को चेक करने के लिए हम यहाँ से मोनेटाइजेशन टूल पे क्लिक करते थे और रील्स को चेक करने के लिए, रील्स का क्राइटेरिया चेक करने के लिए हम यहाँ पे रील्स पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा जी, ये आजकल ये थोड़ा इशू भी कर रहा है, यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं इसको। आई थिंक कोई फेसबुक की अपडेट है तो ये बार बार एरर दे देती है, लेकिन ऑन हो जाती है, एक दो बार हम रिट्राई करते हैं। तो ठीक है जी, ये देखें, ये हमने रील्स पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ये साइट ओपन हो गई है। अब
यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे इस आईडी के अंदर जितने पेज होंगे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज आएगा, ठीक है, इसका हम क्राइटेरिया ये देखें, ये शो हो रहा है रील्स प्ले बोनस। तो यहाँ पे इसी तरह व्यू क्राइटेरिया पे हमने क्लिक करना है, तो ये इसका क्राइटेरिया कि एटलीस्ट 5 वीडियोज़ होनी चाहिए, ठीक है, 5 रील्स होनी चाहिए और तकरीबन 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए, जो कि हम शो केस को बोलते हैं, ठीक है। तो 1 लाख व्यूज़ और जब 5 रील्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसका सेटअप का ऑप्शन आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास पेजेस पड़े हैं, तो हम यहाँ से कोई चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेज है, ठीक है, तो अब यहाँ से ये देखें इसका ऑप्शन आ रहा है अप्लाई का, यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बस इसका यही था क्राइटेरिया और इसको अप्लाई करने का तरीका। अब अगर ये मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है, या हमें बोनस मिल जाता है, तो वो यहाँ पे आपके क्रिएटर स्टूडियो में यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसी तरह रील्स प्ले बोनस लिखा आता है और यहाँ पे साइड पे जो है ना गेट स्टार्टेड लिखा आता है। जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो वो फिर आगे आपकी बैंक डिटेल मांगता है। जब आप लोग बैंक डिटेल्स लगा देते हैं तो फिर आपके पास ये इस तरह शो हो जाता है, जिस तरह ये मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। अभी ये पेज भी हमें आज ही मिला है, ये आज मोनेटाइज हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये 30 डे लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमें 1-2 दिन पहले मिली है, ये 3 दिन पहले मिला आई थिंक। तो ये होता है क्राइटेरिया उसका अप्लाई। अगर वहाँ से हम कर देते हैं मोनेटाइज हो जाता है तो हमें यहाँ शो कर देता है। अगर मोनेटाइज नहीं होता, ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपने उस पेज के ऊपर काम करते रहना है, डेली 5 वीडियोस डालती रहने हैं, ठीक है। डेली 5 वीडियोस डालते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को बोनस मिल जाएगा। अच्छा जी, ये तो हमने आपको रील्स प्ले बोनस का क्राइटेरिया बता दिया, अप्लाई करने का तरीका बता दिया। अब मेन चीज़ आती है कि आप लोगों ने वीडियोज़ कहाँ से उठानी है, ठीक है। ये तो जस्ट हमने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया, ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 30 डे ओल्ड पेज तो है या बना लिया है, 30 दिन उसको ओल्ड हो गए, उसके बाद 5 वीडियोस आपने कोशिश करना है डेली डालनी है, ठीक है, अपने पेज के ऊपर। और 5 वीडियोस आप लोग कैसे डालेंगे और 100 के व्यूज़ कैसे कम्प्लीट होंगे, ठीक है। अब इसकी तरफ हम जाते हैं। अच्छा, कंटेंट उठाने के लिए आप लोगों ने यूट्यूब का इस्तेमाल करना है, टिकटॉक का इस्तेमाल करना है, डेली मोशन यूज़ कर लें, कोई भी प्लेटफॉर्म जिस जहाँ से आप लोगों को शॉर्ट वीडियो मिल सकती है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यूट्यूब की तरफ, यहाँ से हम यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब आपने ओपन भी इस तरीके से करनी है, देखिए मेरी USA की VPN लगी हुई है और मेरा ये न्यू क्रोम है, ठीक है। तो इसके अंदर जब मैं कोई चीज़ सर्च करूँगा तो ये USA से रिलेटेड ही आएगी, ठीक है। आप पाकिस्तानी क्रोम के अंदर या पाकिस्तानी क्रोम के अंदर या पाकिस्तानी IP पे ऑन करेंगे तो आपको पाकिस्तानी ही वीडियो ज़्यादा देखने को नज़र आएंगे, ठीक है। अब ये हमारा सिंपल YouTube ओपन हो गया, उसके बाद आप लोग यहाँ पे शॉर्ट्स पे आ सकते हैं, सर्चिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो चल रही है, अच्छा आप लोगों को 2-3 में टिप्स और दे दूँ, ठीक है, जो आप लोगों को किसी ने नहीं दी होंगी। अच्छा, कंटेंट फाइंड करने के लिए आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, वो चीज़ें बहुत अहम है, ठीक है, आपके व्यूज़ बढ़ाने के लिए, आपको कॉपीराइट से बचाने के लिए, ठीक है। एक तो ये है कि आप लोगों ने जो भी चैनल सेलेक्ट करना है, ठीक है, या जो भी टिकटॉक अकाउंट सेलेक्ट करना है, कोशिश करें वीडियोज़ सेम तरह की हों, सेम मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें जिस तरह की ये कोई चीज़ बना रहा है, इसी का हम चैनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें इसका कंटेंट एक तरह का सेम तरीके का, ठीक है, मतलब मिक्स कंटेंट नहीं है, ठीक है। ये देखें ये कोई चीज़ बना रहा है, इधर भी ये कुछ चीज़ बना रहा है, ये मतलब कि मिलता जुलता कंटेंट है ये ज़्यादातर, ठीक है। अब आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप कोई भी कंटेंट उठाएँ, वो उस चैनल के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ हो मिलता जुलता हो, मतलब मिक्स ना हो, मतलब ये एक वीडियो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पड़ी है, एक वीडियो कोई एनिमल से रिलेटेड पड़ी हुई हो, तो उस तरह वाला कंटेंट आप लोगों ने नहीं उठाना, ठीक है। उस तरह के पेज की फिर कोई 1-2 वीडियोज़ ही वायरल होती हैं, ज़्यादातर नहीं होती। तो आप लोगों ने पेज या कोई चैनल जो है ना, सॉरी पेज क्या क्यों, फेसबुक पेज से तो आपने वीडियोज़ नहीं उठानी, ठीक है, यूट्यूब से उठाएँ, टिकटॉक से उठाएँ। तो आप लोगों ने ऐसा चैनल निकालना है जिसमें वीडियोज़ सेम हों,
ठीक है, कंटेंट से रिलेटेड, और मिक्स कंटेंट ना हो, ठीक है। दूसरा कि आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि फेसबुक पेज उसका ना बना हुआ हो, यहाँ पे इसका पेज बना हुआ है, ठीक है, इंस्टाग्राम ना बना हो, तो ये आप लोगों ने चीज़ें नोट करनी है। अच्छा, एक और हम कोई चैनल निकाल के देख लेते हैं, जैसा कि ये चैनल है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, इसकी वीडियोस कैसी है। अब देखें, इसका कोई इंस्टाग्राम नहीं बना हुआ, टेलीग्राम बना हुआ है और बाकी इधर साइट्स का बना हुआ है। अब देखें, ये जो इसका कंटेंट है ये भी सेम है, ठीक है, ठीक है, मतलब एक तरह का इसका कंटेंट है, मिक्स वाला कंटेंट नहीं है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ऐसा चैनल सेलेक्ट करें जिसमें कंटेंट सेम तरह का हो, मतलब मिक्सचर कंटेंट ना हो, फेसबुक पेज उसका ना बना हुआ हो, इंस्टाग्राम ना बना हो। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे इसका फेसबुक पेज नहीं बना हुआ, आप लोग यहाँ से इसका नाम कॉपी करके, ठीक है, फेसबुक पे आ जाएं, यहाँ पे इसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे पेजेस में। अब आई थिंक इसका पेज नहीं बना हुआ, ठीक है। अगर कोई एक पेज भी बना हुआ हो इस तरह का, ठीक है, तो आप लोगों ने इस पे काम नहीं करना, ठीक है, ये पेज नहीं है क्योंकि इसने रील्स नहीं डाली, ये पिक्चर है, ये है भी कोई और। अच्छा जी, इसकी भी रील्स नहीं है, ये भी कोई और पेज है, ये भी नहीं है, इसकी ज़ीरो फॉलोअर, कोई पोस्टिंग नहीं हुई। तो इट्स मीन कि इसका फेसबुक पेज नहीं बना हुआ, ठीक है, इंस्टाग्राम भी नहीं बना हुआ, लिंक भी नहीं है, हमने मैनुअल चेक भी कर लिया। अब फॉर एग्जांपल ये वाला चैनल ओके है, तो इसकी आप डेली 5 वीडियोस यहाँ से डाउनलोड करें और पेज के अंदर डालना शुरू कर दें, ठीक है, डेली एक रूटीन रख लें पेज के अंदर, डेली इस टाइम बैठ जाएं, मतलब अगर ये चैनल है यूनाइटेड स्टेट का या किसी इधर कंट्री का, रशिया का, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रशिया का चैनल है, तो आप लोग इस हिसाब से टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट में वायरल करना है तो यूनाइटेड स्टेट की टाइमिंग निकाल लें आप, ठीक है, जब वहाँ पे मॉर्निंग टाइम शुरू हो तो उस टाइम आप लोग यहाँ से अपलोडिंग करें, ताकि जब आपकी वीडियोस यूनाइटेड स्टेट वाले बंदों के पास जाएँ, वो देखें, तो वहाँ पर वायरल हो, ठीक है, रशिया वाले ताकि उस टाइम सोए हुए हों, या अदर कंट्रीज जिसका ये कंटेंट है वहाँ पर ये इतनी वीडियोज़ ना देखे जाएँ, ठीक है। तो ये थी कुछ टिप्स कि आप लोगों ने एक तो चैनल अच्छा वाला निकालना है, सेम कंटेंट होना चाहिए, दूसरा ये था कि आप लोगों ने वीडियो को थोड़ा, अगर आप एडिट कर सकते हैं तो एडिट ज़रूर करें, ठीक है, एडिटिंग पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि वीडियो एडिट कैसे की जाती है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ज़्यादा पेजेस पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट मज़ीद एक और वीडियो बनाऊँगा, जिससे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसकी शॉर्ट्स हैं, तो इस पूरे चैनल के शॉर्ट्स जो है ना आप डाउनलोड कर लें, 5 से 10 मिनट के अंदर इसका फोल्डर बन जाएगा, वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगी, एक दिन में बैठ के इसकी 30 दिन की वीडियो आप घंटे 2 घंटे के अंदर आप शेड्यूल कर दें डेली के हिसाब से, मतलब आज के दिन आपने 5 डाल दी, कल के लिए आप इसको शेड्यूल कर दें, कल खुद वीडियो अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। तो मज़ीद वीडियो रील्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा, और तब बनाऊँगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जब मैं फेसबुक पे पोस्ट कर रहा होता हूँ या ग्रुप में पोस्ट कर रहा होता हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी, ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करें, मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें। तो अगर आप लोग ये काम करेंगे तो तब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, वरना अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि फेसबुक पर अक्सर भाई मैसेज कर रहे होते हैं कि सर आप वीडियो बनाएं, इसके ऊपर बनाएं, उसके ऊपर बनाएं, जब वीडियोज़ बनाते हैं तो लोग मतलब सपोर्ट नहीं करते, देखते तो सब हैं लेकिन कमेंट शमेंट्स करके कोई बताते नहीं है कि वीडियो कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।